एंगुलर डिस्पर्शन है, आपके पास ये प्रिज्म है, प्रिज्म वाइट लाइट आई, सात रंगों में वाइट लाइट टूट गई, सबसे डेविएशन वॉयलेट की, सबसे कम किसकी, रेड की, तो सात रंगों की डेविएशन कैसे निकलेगी? आपकी वाइट लाइट अगर रिफ्रैक्ट ना होती तो सीधी जाती, तो यहाँ से लेके यहाँ का एंगल क्या है, डेल्टा आर रेड की डेविएशन है, यहाँ से यहाँ का जो एंगल है वो कितना है, डेल्टा वी, ये वॉयलेट की डेविएशन है, और येलो की डेविएशन जो है, येलो ना कलर जो है वो मिड पॉइंट माना जाता है रेड और वॉयलेट का, तो येलो की डेविएशन है डेल्टा, इसको मीन डेविएशन बोलते हैं, डेल्टा बेसिकली इन दोनों का एवरेज भी माना जाता है। अब सोचने वाली बात ये है, जब मैं ये थ्योरी बना रहा था मैंने सात कलर तो बनाए नहीं, क्योंकि डिस्पर्शन में सात कलर चाहिए, मैंने तो एक ही बनाया है, तो ये फिर किसका बनाया है, येलो का, ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ हो रहा है, येलो, और ये डेल्टा क्या है, मीन डेविएशन, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम कैसा बनता है, एक्चुअल में डायग्राम सात रंगों के साथ बनता है, हमने अपनी थ्योरी इसके साथ की है, क्लियर है, एवरेज के साथ कर दी। तो वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा है, डेल्टा वी, रेड का डेविएशन सबसे कम है, डेल्टा आर, आप इनका डिफरेंस ले लें, डिफरेंस इसे हाईलाइट कर लें, इसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो एंगुलर डिस्पर्शन है दोनों कलर्स की डेविएशन का डिफरेंस इज एंगुलर डेविएशन, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो एंगुलर डेविएशन इसके इक्वल है। अगर थिन प्रिज्म कंसिडर करें और एंगल छोटे हों तो डेल्टा का ये फॉर्मूला वैलिड है, एक बार ये फॉर्मूला लगाएं वॉयलेट के लिए, एक बार लगाएं रेड के लिए, इस वैल्यू को यहां पुट करें, इस वैल्यू को यहां पुट करें और माइनस करें, आपके पास ये फॉर्मूला आएगा एंगुलर डिस्पर्शन का, यूज हो ना हो मैंने बता दिया कि इसको कैसे करना है, मतलब मेरे को तो यही फॉर्मूला याद है, इसको तो मैं बना लूंगा अगर पेपर में आएगा तो। क्लियर है एंगुलर डिस्पर्शन क्या चीज़ है, और एंगुलर डिस्पर्शन के साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सिव पावर, ये हमने लेंस के लिए भी यूज़ की थी, इसका सिंबल ओमेगा होता है, डिस्पर्सिव पावर है सिंपली एक, इसका एक रेशियो है, यूज़ कम होती है या ऑब्जेक्टिव के अंदर यूज होगी, अगर होगी इसका एक टॉपिक करवाऊंगा अगली बार उसमें यूज होगी, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा होता है, एंगुलर डिस्पर्शन यानी कि जो डिफरेंस निकाला भी आपने दोनों वॉयलेट और रेड का एंगल का, डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, ये डेविएशन रेड और वॉयलेट की है और ये डेविएशन येलो की है, येलो का मतलब मीन डेविएशन, इनकी रेशियो को ओमेगा बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। ये फॉर्मूला मैं करवा चुका हूं ऊपर, अभी इस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको ये करवाया था फॉर्मूला, डेल्टा का फॉर्मूला ये था, ए से ये कट गया तो ये फॉर्मूला बनता है, तो इसको डी म्यू लिख देते हैं कभी कभी, ये डिस्पर्सिव पावर है किसकी, प्रिज्म की, यूज कम होता है, होगा नहीं वैसे ज्यादा यूज, ये डेफिनेशन हो सकती है, इसको आप याद कर लें, ठीक।